हेलो राम राम जी, वेगा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको सिखाएंगे जैसे हमारे ये कंधे गिर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हम बताएंगे तो ये कंधे हमारे आगे नहीं आएंगे और ना पीछे जाएंगे, शोल्डर हमारे जो पीछे भाग जाते हैं ये ऐसे प्रॉपर ऐसे रहेगा। तो अभी देखते हैं, हम आज अलग मेजरमेंट होगा आज फिर से, तो हम अलग अलग मेजरमेंट की कटिंग दिखाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो देखते हैं, अब हम हमारा मेजरमेंट इसकी अपर होगी 37.5, ब्रेस्ट और लोअर होगी 39.5, और कमर होगी वे इसकी 35, और हिप है इसकी 23 तैयार, बाजू 16/10 होगी, और गला रहेगा आगे का 7.5 और पीछे का रहेगा 3। हमारा गले पर ध्यान देना, पीछे का 3 गला है। तो इसकी कटिंग आज फिर से अलग होगी क्योंकि इसमें गला हमारा पीछे का 3 है, अगर हमारा 3 नहीं है तो उसमें अलग हो जाती है, 3 में अलग हो जाती है। तो देखते हैं अब हमारा, तो ये देखो भाई, इस टाइम हमने ये प्रेस था अपना कपड़ा बैठा लिया है, चारों तय हो गई है इसकी, 1 2 और 2 हमारी ये हैं, 4 तय है। तो इसकी अब हम यहाँ से ये एल के एल ले के स्केल और उससे हम अपनी कांड निकालते हैं। हमने ये निकाल ली है और इस तरफ भी हमने पहले ही निकाल ली थी। देखो जितनी हमने लेंथ लेनी थी, हमने 41.5, तो प्रॉपर 41.5 पर लगा लिया है निशान। और अब देखो इसका हमारा तीरा रहेगा 7 क्योंकि बैक का गला है हमारा इसका 3 और मोटा आएगा 7.5। देखो 11 पे हमारी लोअर रहेगी और ये हमारा 14 पे कमर आएगी और 21 पे आएगा सॉरी हमारा हिप। तो ये देखो भाई 7.5, 11, 14 और 21.5, ये देखो। ये हमारे निशान, ये तो हमारा मेजरमेंट उसी तरीके से रहता है जैसे हमारी फिटिंग है। कमर है यहाँ 14 पे, तो किसी किसी की 13 पे भी आ जाती है, किसी की 15 पे भी आ जाती है, ये उसका आप नाप ले कहाँ पे हमारी कमर आएगी उसके हिसाब से। और अब देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से भी हम 7.5 ही लेंगे क्योंकि बैक का गला हमारा छोटा है, खिंचाव ना आवे और हमारा गला आगे ना भागे ना पीछे भागे। तो अब हम देखते हैं हमारी अपर रहेगी 37.5, तो हमने कितने ऐड करने हैं उसमें 3.25 क्योंकि लाइनिंग का है, हमने 3.5 ऐड करने हैं, सॉरी 0.5 इंच हम लाइनिंग में एक्स्ट्रा लेंगे। तो 3.5 और 37.5 कितने हो गए हमारे, ये हो गए 41, 41 का चौथा कितना हो गया भाई 10.25, तो हम यहाँ से लेंगे 10.25 और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का। और ये हमारी लोअर आ गई, लोअर है हमारी 39.5, तो 39.5 में हम आधा एक्स्ट्रा लूजिंग देते हैं और जैसे हमारी लाइनिंग है तो लाइनिंग का एक पैर 2 पॉइंट अलग से लेंगे। तो ये हो गया हमारा 40 और 40 में 1 पॉइंट लूजिंग देंगे तो 10.1 लेंगे हम। ये देखो कमर है हमारी 37 तैयार आवेगी 37.5, तो 37.5 का 37 हो गया, चौथा हिस्सा हो गया इसका 9.25 और 1 पॉइंट 37.5 हो गया वे। और अब हम इस पे प्लेट नहीं डालेंगे बैक वाली, और ये हमारी हिप रहेगी 11.5, 23 तैयार है तो 11.5 लेंगे हम। ये देखो, और अब हमने यहाँ से टोटल कितना लिया है, टोटल है हमारा 13.5, तो 13.5 ही हमें इधर से लेंगे। और ये देखो भाई, ये हम इसको कमर
ये निशान हमने मिला लिए हैं, ऊपर से हमने 7 लिया था और यहाँ से हमने 7.5 लिया, तीरा यहाँ से 7 लिया और यहाँ से हमने ये 7.5 लिया, क्योंकि हमारा बैग का गला छोटा है। और अब ये हम यहाँ से इसका गोलाई और इसका गला हम रखेंगे 3 पे, 3 का ब्रॉड रखेंगे, 6 का ब्रॉड हो गया ये हमारा। और बैक का इसका लेंगे हम 1/4 इंच ऊपर, वही ये हो गया हमारा 1/4 इंच, 1/4 इंच हम यहाँ से लेंगे। ये बैक वाले का है निशान, दोनों पार्ट हम साथ काटेंगे तो फ्रंट हम बाद में काटेंगे, जैसे हम हर वीडियो में दिखाते हैं। ये देखो ये हमारे प्रॉपर मेजरमेंट उतर चुका है कपड़े के ऊपर। और अभी हम इसकी करते हैं कटिंग। आज इसका एक अलग मेजरमेंट था, जैसे ब्रेस्ट है हमारी, कमर है, कल जैसे कुछ कम था, आज कुछ ज़्यादा है और गला बैक का कम है, तो इसके अकॉर्डिंग नाप हमारा चेंज होता रहता है। तो हम सोचते हैं यही कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कुछ हमारे पास मेजरमेंट है तो हम अलग अलग आपको दिखाएं, आपके लिए कुछ, ताकि आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए नाप के अकॉर्डिंग भी। और इसका गला रहेगा वे फ्रंट का 7.5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7.5, ताकि हम गला लगाते टाइम भूल ना जा, फिर हमने अपना रजिस्टर उठाना पड़ेगा। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम अपना फ्रंट वाला उठा लेते हैं, बैक वाला निकाल लेते हैं इसके बीच में से। ये देखो ये निकाल लिया, इसके साथ हम आज आपको कपड़े की भी कटिंग दिखाएंगे। ये देखो ये प्रॉपर मिला लें अपना, ताकि इसमें कोई कमी भी सी ना रहे, 1% भी नहीं छोड़नी हमने कमियां। ये हमारी कंप्लीट हो, और भी देखो ये हमारा कपड़ा है, हमने इस पर जो लाइनिंग हमारी कट करेंगे इस तरीके से करेंगे। इसमें हमने फोल्ड का नहीं किया था क्योंकि इस पर नीचे हमारा बॉर्डर है, तो हमने प्रॉपर इसके ऊपर कपड़े ने कट कर देंगे। हमारा फ्रंट कटिंग हो गया है, हम बैक करेंगे। ये हमारा बैक है, ये प्रेस तो बिठा लिया है, इसका हमारी जो लाइनिंग कट कर रखी है हमने।
प्रॉपर तरीके से इस पे बिछा ली है, इधर से मिला लिए हमने इसके कोने, बीच का जो सेंटर है वो हम इसको प्रेस दे इस पे। फर्क नहीं होना चाहिए बिल्कुल, इसके लाइनिंग के साथ साथ कैची चलनी चाहिए। हमारी कटिंग हो चुकी है, इसका बैक का गला काटेंगे। तीन था इसका ब्रोड तो हमने 3.5 लिया है, और 3 इसका नेक था तो हम लेंगे 3.5, क्योंकि आधा हमारा सिलाई में जाएगा। जैसे हम मोड़े की शेप दे रहे हैं उसी तरीके तक। आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।